सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और यह बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम खैरियत से हूँ। आपके आंगन मेरी रसोई व्लॉग्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम है। गाइस, आज हम लोग तीन जगह जाने वाले हैं। एक तो हम अपनी डिग्री लेंगे, फाइनली आज हमें डिग्री लेने ही जाना है, कॉल आई थी वहाँ से। गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं डेंटल कॉलेज के बाहर। यहाँ पे हमें इंडियन बैंक में अपनी फीस भी सबमिट करानी है। और पता है क्या, मैं बिल्कुल रोड पर खड़ी थी और यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियाँ शू 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 कर कर निकल रही थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें शूट करने लगी। और ये सब नज़ारा मैं आपको डेंटल कॉलेज के बाहर का दिखा रही हूँ। ये अंदर से भी है डेंटल कॉलेज और उधर से भी दो रास्ते हैं इसके। तो जो मेन एंट्रेंस है हम लोग वहाँ पर नहीं खड़े हैं, हम ना इंडियन बैंक के बाहर खड़े हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रही हूँ कि बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। और पता ही क्या, जामिया कॉलेज, स्कूल, ये सब चीज़ें हर किसी ने नहीं देखी हैं या फिर दिल्ली हर किसी ने नहीं देखी है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए मैं दिखा रही हूँ, सब लोगों के लिए। ये नहीं है कि हाँ भाई हमने तो देखा है, क्या दिखा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे किताब घर है, फॉर्म वगैरह यहीं पर मिलते हैं। जामिया के जो भी एंट्रेंस फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। आप ये रास्ता देख रहे हो ना, ये डेंटल कॉलेज का भी है और डेंटल हॉस्पिटल का भी है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है, अगर आप आते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट है, तो दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। अगर हमें कॉलेज जाना है तो कॉलेज भी हम इजीली चले जाते हैं, अगर हमें हॉस्पिटल जाना है डेंटल हॉस्पिटल तो हम वहाँ पे भी इजीली पहुँच जाते हैं। यहाँ से रास्ता कम है, आगे से थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा है, बस मेरा बताने का मेन मकसद यही है। अब हम पहुँच चुके हैं अपनी डिग्री लेने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है और स्टूडेंट्स काफ़ी हैं यहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं अलबेग। अलबेग ये कम्युनिटी सेंटर वाला अलबेग है, यहाँ पे हम लोग खाएंगे। और भूख काफ़ी लगी थी इस वजह से पहले हमने सोचा खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ की आप सब लोगों को सैर कराएंगे और दिखाएंगे हमारे कम्युनिटी सेंटर पर क्या क्या मिलता है और किस तरह का क्राउड रहता है, क्या कैसी शॉपिंग होती है, कैसी रौनकें लगती हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हम थोड़ा सा खा लेते हैं। गाइस, मैं कम्युनिटी सेंटर पर आप सब लोगों को एक एक चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी और अच्छे से मैं इस चीज़ को दिखाऊंगी ताकि आप लोग घर बैठे कम्युनिटी सेंटर की सैर कर पाएं।
और आप लोग ये भी देख पाएं कि दिल्ली का कम्युनिटी सेंटर किस तरह का है। जो लोग कभी नहीं आए हैं दिल्ली में, वो ये सब चीज़ें अपने घर पर ही बैठकर आराम से देख सकते हैं। इसका मेन मकसद बस यही है, आप सब लोगों को यहाँ की सैर कराना। आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, ग्रीनरी है और हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी रौनक रहती है। ये सब चीज़ें देखकर बड़ा दिल खुश होता है। वीडियो बनाना बाहर थोड़ा मुश्किल होता है। ये मौलाना साहब मुझे देख रहे थे बड़ी हैरानी की नज़रों से कि ये क्या कर रही है और क्यों वीडियो बना रही है। लेकिन अपने को क्या है, हमें तो वीडियो बनानी है ना। अब कोई कुछ भी कहता रहे, अपना काम तो करना ही है, कैसे भी करके अपना काम करेंगे और आप सब लोगों के साथ हर एक चीज़ पूरी तरीके से शेयर भी करेंगे। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हर तरह के स्टॉल हैं, हर तरह की शॉप्स हैं, शोरूम हैं। ये बहुत मतलब बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग कभी नहीं आए हो यहाँ पे दिल्ली के कम्युनिटी सेंटर पे, जो लोग नहीं आए हैं वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है कि हाँ सच में वीडियो में जैसा दिख रहा था सेम वैसा ही है। अब हम आ गए हैं यहाँ, रात हो गई है, 8 बज गए हैं और हमें अभी निहारी लेनी है। ये हमारे मोहल्ले की ज़बरदस्त निहारी है। यहाँ पे मतलब दूर दूर से लोग निहारी लेने के लिए आते हैं, लाइन लगी रहती है, एक भीड़ इकट्ठा रहती है। आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त निहारी लग रही है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट कर। अब यहाँ पे हम लोग पैक कराने लगे हैं, सुबह के निकले हुए हैं और रात हो गई है, खाना कैसे बनेगा। बस इसी वजह से हम लोगों ने बाहर से खाना लिया। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए तो फिर मैं चलती हूँ, मिलती हूँ एक एनर्जी से भरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, बाय बाय। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जो भी वीडियो जैसी भी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। आगे से मैं इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी।